खबर नरसिंहपुर के रेलवे हॉस्पिटल से है, जहां आज 14 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का महाअभियान चलाया गया। सभी ने शांतिपूर्वक प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवाया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए टीकाकरण करवाया। वहीं डॉक्टर आर कुर्री ने मास्क की उपलब्धता को बताया। उनका कहना है कि मास्क लगाने से और अन्य बीमारियां भी नहीं घेरती हैं। वहीं महाअभियान में हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। आज वैक्सीन का महाअभियान चलाया गया, उसमें हमारे रेलवे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन का 300 डोज आया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें अधिक से अधिक जनसंख्या आए हैं और रेलवे का और सिविल का सभी प्रकार का जो अपने पास आदमी आ रहे हैं या कर्मचारी हैं सभी को हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी तरीके से 100% वैक्सीनेशन हो। और मेरा गुजारिश है कि कोविड को रोकने के लिए सिर्फ अभी हमारे पास जो मेन अचूक हथियार है वो वैक्सीन, जिसमें कोवैक्सीन का डोज हमारे यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों लग रहा है। सभी जो जनता से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएँ और हम कोविड को हर हालात में जीत सकें, जिससे दोबारा जो तीसरी लहर आने की पॉसिबिलिटी है वो उसको 100% हम रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। पूरी तरह से वैक्सीनेशन होने पे हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम एक विजय प्राप्त करेंगे कोविड पे, और उम्मीद है कि आने वाला भविष्य में भी हम सुरक्षित रहेंगे कोविड में।